हेलो एवरीवन, सो कुछ एग्जामिनेशंस ऐसे होते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन हैं, लेकिन उनके बारे में काफ़ी कम लोगों को नॉलेज होती है। इसी तरीके से हमारे पास एक एग्जामिनेशन है विच इज़ CGPDTM फॉर पेटेंट ऑफिसर। दिस इज़ बेसिकली जो एग्जामिनेशन है ये पेटेंट ऑफिसर के लिए है, और इसको जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वो है कंट्रोलर जनरल फॉर पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क। इससे पहले इस एग्जामिनेशन का प्री हो चुका है, अब इस एग्जामिनेशन का मेंस है जो कि इस अपकमिंग जो संडे है हमारे पास, दो दिन बाद जो संडे है उस दिन इसका मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। इसका प्री ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले हमारे पास इसके प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर्स थे, जैसे कि एज आई टोल्ड यू कि हम लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हैं या जो भी टीचिंग एग्जामिनेशन है थ्रू आउट द कंट्री, हम लोग उन सभी एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे एक एक करके हम सभी एग्जामिनेशन को कवर कर रहे हैं, तो ये भी उसी सीरीज़ के अंदर ये भी एक वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम जो CGPDTM के अंदर कंप्यूटर साइंस का जो पेटेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हो चुका है, जो प्रीवियस एग्जामिनेशन है, उस प्रीवियस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी जो क्वेश्चन पेपर है आप इसको हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको एक PDF कॉपी मिल जाएगी। और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। इसके अंदर सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर टोटल हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। तीन क्वेश्चंस के अंदर आपके दो पार्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी। सेक्शन ए आपका 36 मार्क्स का है, उसके बाद फिर आपका सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपका टोटल 60 मार्क्स का है, फिर आपका सेक्शन सी है जो कि टोटल 84 मार्क्स का है, और फिर आपका सेक्शन डी है जो कि टोटल 120 मार्क्स का है। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी है। अब देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो दो पार्ट्स हैं, और जो क्वेश्चंस हैं दे आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, यानी कि जहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, आपको ऑप्शंस को क्लिक नहीं करना, बट रेदर आपको हर एक क्वेश्चन का एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर आंसर यहाँ पर देना है। इट इज़ अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। जो टोटल पेपर है आपका ये 3 घंटे का है, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 300। अब इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है, बट रेदर इसकी जो कट ऑफ है वो एक डिसेंट कट ऑफ है। अगर आप कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर UGC नेट की स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो UGC नेट की प्रिपरेशन से आपके जो एग्जामिनेशन है CGPDTM, ये एग्जामिनेशन भी आपका कवर हो जाता है। तो बेसिकली हमारी जो टोटल प्रिपरेशन के अंदर जो मेजर आपके पास पोर्शंस है, जैसे कि गेट, UGC नेट, तो UGC नेट के अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं उससे ज़्यादातर आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, और हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, और एक एक क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे जितने अच्छे तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो आप जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर बोर्ड के अंदर भी लिखा है। हम क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड फंक्शंस इन बिग ओ नोटेशन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एन। हमें एक फंक्शन गिवन है, द फंक्शन इज वॉइड सिली इंटीजर एन, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 0 देन रिटर्न, अदरवाइज प्रिंट द वैल्यू ऑफ एन एंड देन मेक सिली ऑफ एन डिवाइड बाय 2। अब हमें इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना है। देखो, जो वीडियोस मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ इन एल्गोरिथम्स में, एल्गोरिथम्स में हमने इस तरह के ऑलरेडी वीडियोस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो, फंक्शन को देखने से ही आपको पता चल जाना चाहिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो इसका अगर हम एक रिकर्सिव रिलेशन बनाएंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, तो क्या बनेगा, टाइम टेकन टू अप्लाई दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम टू परफॉर्म दिस कंपेरिजन प्लस टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन बाई 2 आइटम्स, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाई 2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज कॉन्स्टेंट को हम ऑर्डर ऑफ 1 भी लिख सकते हैं। अब ये आपके पास एक रिकर्सिव फंक्शन है। अब हमें पता है कि इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो उस केस में दिस टी ऑफ 0 और या फिर टी ऑफ एन इन दैट केस इज एक्चुअली इक्वल टू ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि उस केस में हमारे जो फंक्शन है, जो स्टेटमेंट है, ये आपकी ट्रू रहेगी, कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी।
अब आपको बस ये रिकर्सिव रिलेशन पता होना चाहिए कि रिकर्सिव रिलेशन ये जो रिलेशन है कैसे बनेगा। अगर आप इस रिलेशन को बना सकते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है बस इतना सा करने से आपका जो क्वेश्चन है वो आप एक ऐसी फॉर्मेट में आ चुका है जहाँ से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप किसी भी टेक्निक का यूज़ करें, आप मास्टर्स थ्योरम का यूज़ करें, आप बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करें, आप किसी भी मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से कर सकते हैं। तो डायरेक्टली बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मास्टर्स थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको एक लॉन्ग वे में इसको मैं बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। बैक सब्स्टिट्यूशन, ओके, सो बैक सब्स्टिट्यूशन से आई एम गोइंग टू टेक दिस रिकर्सिव रिलेशन और इस रिलेशन को सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेशन इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, ओके। अब हमें टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, सो दिस वैल्यू विल बिकम टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 प्लस ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ 1, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2। अभी वैल्यू निकली कैसे? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, सिंपल। आपके पास जहां पर भी n था उस n की जगह पर आप n डिवाइड बाय 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये जो फंक्शन है इस तरह की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, दिस इज टी ऑफ n डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। फर्दर हमें टी ऑफ n डिवाइड बाय 2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सो दिस वैल्यू विल बिकम टी ऑफ n डिवाइड बाय 2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो जिसको हम लिख सकते हैं टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 क्यूब प्लस 3। अगर आप इस फंक्शन को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो फंक्शन बनेगा आपका पास टी ऑफ एन डिवाइड बाय 2 रेस्ट पावर के प्लस के। सो ये फंक्शन कब तक एक्सटेंड होगा? जब तक ये वाली वैल्यू आपके पास 0 या 1 नहीं होती। यानी कि हमें पता है कि टी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, तो टी ऑफ 0 के केस में यानी कि इफ 2 रेस्ट पावर के इज ग्रेटर देन एन, अगर 2 रेस पावर के n से ग्रेटर होगा तो उस केस में दिस वैल्यू विल बिकम 0। तो ये आ जाएगा आपके पास टी ऑफ n डिवाइड बाय n, मतलब अगर हम बोलते हैं कि 2 रेस पावर k को अगर हम n की इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, दिस विल बिकम n डिवाइड बाय n। तो उस केस में k की वैल्यू क्या रहेगी, टेक लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, तो आपके पास आएगा यहाँ पर log k log 2 बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू log n base 2, सो ये वैल्यू हो गया आपके पास 1, सो दिस विल कम k शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू log n base 2, तो इस k की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर log n base 2, तो इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स आएगी दिस ऑर्डर ऑफ 1, सो ऑर्डर ऑफ 1 प्लस ऑर्डर ऑफ log n विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ log n base 2, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ईजिएस्ट क्वेश्चन जो कि कह सकते हैं ये आपका गेट का ईजिएस्ट लेवल से भी ईजी है, उसी तरीके से UGC NET के लेवल का ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा है एक फंक्शन गिवन है, आपको इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्स निकालनी है, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सेकंड पार्ट सेज सपोज अ वेब सर्वर हैज 10 ऑनगोइंग TCP कनेक्शंस एंड हाउ मेनी सर्वर साइड सॉकेट्स आर यूज्ड इन दिस केस and how many server side ports are used। So यहाँ पर आपके पास server side sockets और server side ports के बारे में पूछा गया। Actually this जो question है this is kind of an assignment question जो कि colleges के students को assignment question में दिया जाता है। अब यहाँ पर वो बोलना चाहता है कि आपके पास एक web server है और उस web server के पास 10 TCP connection है, there is transfer control protocol, आपके पास 10 TCP connections है। अब TCP connection में हमारे पास एक term होती है socket, तो socket क्या होता है, सॉकेट इज बेसिकली आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, सॉकेट इज आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर, यानी कि आप आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं सॉकेट। अब जैसे कि हमारे पास एक HTTP कनेक्शन है या फिर आपके पास जो भी कोई कनेक्शन है HTTP कनेक्शन है या कोई भी कनेक्शन है, तो HTTP कनेक्शन के लिए हम लोग पोर्ट नंबर 80 का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आपके पास एक FTP कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है उसके लिए आप डिफरेंट पोर्ट्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं एक आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि पोर्ट्स होता क्या है। बेसिकली देखो, हमारे पास दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है जब भी नेटवर्क के अंदर। एज्यूम ये आपका होस्ट ए है और ये है आपका होस्ट बी। अब ये जो होस्ट ए है इसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि एक एप्लीकेशन आपके पास व्हाट्सएप है,
एक एप्लीकेशन आपके पास वेब ब्राउजर है, एक एप्लीकेशन आपके पास अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस हो सकती है. अब होस्ट एक होस्ट बी से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सम राउटर्स. सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द राउटर और होस्ट बी के पास भी अपनी एप्लीकेशंस हैं. अब एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास अलग अलग लेयर्स हैं. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास नेटवर्क के अंदर लेयर्स कौन कौन सी होती है. वी हैव एप्लीकेशन लेयर, इसके अंदर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन तीनों लेयर एप्लीकेशन के लेयर के अंदर है. देन वी हैव ट्रांसपोर्ट लेयर, देन वी हैव नेटवर्क लेयर, एंड देन वी हैव डेटा लिंक लेयर, एंड देन वी हैव फिजिकल लेयर. अब जो डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है होप टू होप कनेक्टिविटी, यानी कि हॉप टू हॉप, यानी कि इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है, या फिर इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है, या फिर इन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है. तो डेटा लिंक लेयर के अंदर हम हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी का यूज़ करते हैं. और इस हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी के लिए हम लोग हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी इंश्योर्स कि जो पैकेट की डिलीवरी है वो एक हॉप से दूसरे हॉप के बीच में होना चाहिए. अब हॉप टू हॉप कनेक्टिविटी के अंदर डेटा लिंक लेयर के अंदर हम मैक एड्रेसेस का यूज़ करते हैं. दैट इज मैक एड्रेसेस, दैट इज योर मशीन एड्रेस. ओके, फिर आता आपके पास नेटवर्क लेयर. अब जो नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है आपकी होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी. इसका मतलब है आपका होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी, यानी कि जो पैकेट है आपका डेटा पैकेट इस होस्ट से लेकर इस होस्ट के बीच में डिलीवर होना चाहिए. इसको इंश्योर करने के लिए हम होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी का यूज़ करते हैं, जो कि नेटवर्क लेयर जिसको इंश्योर करता है. और होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी के लिए नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेसेस का यूज़ करता है, आईपी एड्रेसेस का यूज़ करता है. ठीक है, अब तीसरा आता है आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर. अब जो ट्रांसपोर्ट है टीसीपी, देखो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आपके दो प्रोटोकॉल्स आते हैं. पहला है आपके पास यूडीपी, दैट इज़ यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड इज़ योर टीसीपी, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. अब ट्रांसपोर्ट लेयर में हम यूडीपी की भी बात भी कर सकते थे, और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हम टीसीपी की बात भी कर सकते थे. हम यूडीपी और टीसीपी में से किसी की भी बात कर सकते थे. अब यूडीपी में एक कनेक्शन अलग तरीके से होगा, टीसीपी में कनेक्शन अलग तरीके से होगा. जो टीसीपी है आपका, दिस इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और यहाँ पर हम एक वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. लेकिन जो आपका नेटवर्क लेयर है, इट इज़ अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. सो नेटवर्क लेयर के अंदर इट इज़ कनेक्शन लेस, टीसीपी इज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. मेक श्योर आप इस राइट को याद रखें. अब टीसीपी के अंदर जब भी हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, तो वी मेक श्योर कि जो डेटा है वो जिस एप्लीकेशन से जनरेट हुआ है वो यहाँ पर एक करेक्ट एप्लीकेशन पर जाए. ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर हम एक व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डेटा है वी वॉन्ट टू एनश्योर कि जो डेटा है वो यहाँ पर व्हाट्सएप पर ही डिलीवर हो, वो किसी और एप्लीकेशन पर डिलीवर ना हो. तो इसी वजह से जो भी एप्लीकेशन होती है उस एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होता है, पोर्ट नंबर जो कि ये इंश्योर करता है कि जिस एप्लीकेशन को हमें डेटा डिलीवर करना है डेटा उसी एप्लीकेशन तक जाए. लेकिन साथ साथ में हमें अगर एक ही सर्वर के साथ एक से ज़्यादा सिस्टम से कनेक्टेड किया है, मेरे कहने का मतलब है एज्यूम ये आपका एक सर्वर है, अब इस सर्वर के साथ एक से ज़्यादा होस्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और इस होस्ट में से अब हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस होस्ट की इस एप्लीकेशन का यहाँ पर डेटा डिलीवर हुआ. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर सॉकेट का यूज़ करते हैं. तो सॉकेट के अंदर हम आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट नंबर दोनों को कंबाइन करते हैं डेटा को सेंड करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर व्हाट दे आर सेइंग इज कि हमारे पास वी हैव अ वेब सर्वर दैट हैज़ 10 ऑनगोइंग कनेक्शन. वी हैव अ वेब सर्वर दैट हैज़ 10 ऑनगोइंग टीसीपी कनेक्शन. आपके वेब सर्वर पर 10 TCP कनेक्शन ongoing है. Then how many server side sockets are used and how many server side port numbers are used? यानी कि server side sockets आप कितने use करेंगे और server side port numbers आप कितने use करेंगे. So इस case में they are saying कि आपके पास 10 ongoing TCP कनेक्शन है, तो इन सभी TCP कनेक्शन में कितने sockets और कितने पोर्ट्स का यूज होगा. देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सपोज अ वेब सर्वर हैज 10 ऑनगोइंग टीसीपी कनेक्शन, देन हाउ मेनी सर्वर साइड सॉकेट्स आर यूज्ड एंड हाउ मेनी सर्वर साइड पोर्ट्स आर यूज. सर्वर साइड में कितने पोर्ट्स यूज होंगे और कितने सॉकेट यूज होंगे. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज 11 सॉकेट्स का यहाँ पर यूज होगा. उन 11 सॉकेट्स में से आपके पास टोटल जो, बिकॉज यहाँ पर 10 कनेक्शन है,
तो 10 कनेक्शन के लिए आपके जो 10 जो इस केस में जो 10 सॉकेट्स हैं वो इनकमिंग कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज होंगे. सो दिस यूज्ड टू क्रिएट इनकमिंग कनेक्शन. इनकमिंग कनेक्शन जो 10 है वो इनकमिंग कनेक्शन के लिए यूज होंगे. और यहाँ पर जो 1 है वो आपका टोटल वो आपका पोर्ट नंबर 80 के लिए यूज होगा. पोर्ट नंबर 80 के लिए यूज होगा. सो टोटल यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ कि आपके पास कितने पोर्ट यूज होंगे, तो पोर्ट आपके पास एक ही एक सॉकेट पोर्ट नंबर 80 के लिए यूज होगा. लेकिन टोटल टोटल यहाँ पर 11 सर्वर साइड सॉकेट्स के लिए सॉकेट्स यूज होंगे, जिसमें से एक पोर्ट यूज होगा. तो करेक्ट आंसर कितना होगा अगर मैं पूछता हूँ हाउ मेनी सर्वर साइड सॉकेट्स आर यूज, टोटल ऑफ 11 सर्वर साइड सॉकेट्स आर यूज एंड हाउ मेनी सर्वर साइड पोर्ट्स आर यूज. सो टोटल ऑफ ओनली वन दैट इज पोर्ट नंबर 80, ओनली वन सर्वर साइड पोर्ट इज यूज. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 11 एंड 1. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दो पोर्शन है. पहला पोर्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम से और दूसरा पोर्शन है आपका कंप्यूटर नेटवर्क से. सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट इज सेइंग टू सक्सेसफुली प्रिवेंट यूजर प्रोग्राम्स फ्रॉम कॉजिंग डैमेज टू अदर प्रोग्राम्स और द ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. नेम टू हार्डवेयर मैकेनिज्म्स इन मॉडर्न सीपीयू दैट सपोर्ट्स दिस गोल एंड फॉर ईच वन डिस्क्राइब व्हाट स्पेसिफिक काइंड ऑफ डैमेज इट डज प्रिवेंट. सो बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो हार्डवेयर मैकेनिज्म्स होते हैं. पहला हार्डवेयर मैकेनिज्म है आपके पास DEP. DEP की फुल फॉर्म है डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन. और दूसरा आपका हार्डवेयर मैकेनिज्म है ECC, जिसको बोलते हैं एरर करेक्टिंग कोड मैकेनिज्म्स. अब जो आपके पास DEP है और ECC है, दोनों बहुत ही यूजफुल होते हैं. अब जो ECC है, दिस ECC एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी is a type of computer data storage that can detect and correct the most common kinds of internal data corruptions. और ये जितने भी ज़्यादा data corruptions हैं, जहाँ पर आपके पास ऐसी ही locations हैं जहाँ पर आप data errors यानी corruptions को नहीं ले सकते, जैसे financial आपके पास financial computing है, या फिर जो आपके पास ऐसे areas हैं जहाँ पर आप data corruption को tolerate नहीं कर सकते, उस केस में हम ECC का यूज़ करते हैं. और ECC मेमोरी बेसिकली एक मेमोरी है, ECC मेमोरी. और ECC मेमोरी की फुल फॉर्म है एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी. तो ये एरर जो होते हैं उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिंगल बिट एरर्स को करेक्ट करता है. और जो दूसरा है हमारे पास जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम DEP, जिसको बोलते हैं डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन. और जो डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन है वो हमारे डेटा को वायरसेस और सिक्योरिटी थ्रेट्स से बचाता है. यानी कि ऐसा जो मालिशियस कोड है और जो वायरसेस है उनसे हम लोग DEP जो है उससे हेल्प करता है. तो DEP एक हार्डवेयर मैकेनिज्म है डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन. तो हम DEP को और ECC हार्डवेयर मैकेनिज्म्स को यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रिवेंट करने के लिए. अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है, दे आर सेइंग व्हाट इज द साइज ऑफ अ TCP हेडर एंड व्हाट इज द साइज ऑफ अ UDP हेडर. तो TCP हेडर और UDP हेडर का टोटल साइज क्या होता है. और उसके बाद दे आर सेइंग व्हाट फील्ड्स एग्जिस्ट इन बोथ TCP हेडर एज वेल एज व्हाट फील्ड्स एग्जिस्ट इन बोथ UDP हेडर. सो डायरेक्टली वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि TCP हेडर का साइज क्या होता है, UDP हेडर का साइज क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं. अब देखो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आपने TCP और UDP को पहले पढ़ा है तो आपको उसके हेडर फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो वो हेडर फॉर्मेट्स में अंदर क्या क्या फील्ड होती हैं, दिस इज बेसिकली इट इज़ लाइक कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए. आपको IP का हेडर उसका स्ट्रक्चर, TCP का हेडर उसका स्ट्रक्चर, UDP का हेडर उसका स्ट्रक्चर, इन सभी जो आपके जो फेमस प्रोटोकॉल्स हैं इनका हेडर और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में ये आपको याद होना चाहिए एट एनी टाइम. आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए. अब जो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास TCP हेडर. तो TCP हेडर का जो डेटा साइज है वो आपकी स्क्रीन के सामने आपको शो हो रहा होगा. तो TCP हेडर जो है उसके अंदर फील्ड्स हमारे पास आती है. सबसे पहला आता है आपके पास 16 बिट का पोर्ट नंबर, जिसको हम बोलते हैं सोर्स पोर्ट नंबर. फिर 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, यानी कि हम बताते हैं किस सोर्स से डेटा आया और किस डेस्टिनेशन पर डेटा जाएगा. उसके बाद आपका सीक्वेंस नंबर होता है जो कि 32 बिट का होता है. फिर आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है जो कि 32 बिट का होता है.
अब देखो अगर आपके पास 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, यानी कि जो सीक्वेंसेस पॉसिबल है वो है 0 से लेकर 2 रेस्ट पावर 32 माइनस 1, और 32 बिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर है यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट पॉसिबल है वो 0 से लेकर 2 रेस्ट पावर 32 माइनस 1 एक्नॉलेजमेंट्स आर पॉसिबल। फिर उसके बाद आपके पास होता है हेडर लेंथ फील्ड जो कि 4 बिट की होती है आपके पास, और फिर आती है आपके पास रिजर्व्ड बिट्स जो कि 6 बिट्स रिजर्व्ड है, और फिर आपके पास आती है कुछ फ्लैग बिट्स। सभी जो फ्लैग बिट्स हैं सभी 1 बिट की होती हैं, ओनली 1 बिट, जैसे कि हमारे पास अर्जेंट फ्लैग है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, सिंक्रनाइजेशन फ्लैग है, फिनिश फ्लैग है, फिन फ्लैग है, आरएसटी फ्लैग है, पुश फ्लैग है, तो सभी हमारे पास फ्लैग बिट्स होती हैं। उसके बाद आपके पास होता है विंडो साइज, तो यहाँ पर हम 16 बिट का विंडो साइज यूज़ करते हैं। बेसिकली विंडो साइज इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज जो TCP है वो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। फिर हमारे पास चेकसम होता है 16 बिट का, और TCP के अंदर चेकसम इज मैंडेटरी। सो अगर आप TCP के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा TCP के अंदर चेकसम इज मैंडेटरी। फिर आपके पास 16 बिट का अर्जेंट पॉइंटर होता है, और फिर आपके पास ऑप्शंस की फील्ड होती है। अब TCP के अंदर जो पहले 20 बाइट्स हैं, जो मिनिमम साइज है TCP का, वो फर्स्ट 20 बाइट्स आर मैंडेटरी, और फिर आपके पास जो 40 बाइट्स जो ऑप्शंस और ऑप्शंस जो है वो 40 बाइट्स के ऑप्शंस होते हैं। तो TCP का जो मिनिमम साइज है वो 20 बाइट्स का होगा, और जो मैक्सिमम जो साइज होगा TCP हेडर का वो 40 बाइट्स का होगा। दूसरा, TCP इज ए बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, यानी कि आप जो भी बाइट TCP के थ्रू जाएगा हम हर एक बाइट को काउंट करेंगे, और हर एक बाइट के लिए हम एक सीक्वेंस नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। अब देखो याद रखिएगा TCP इज़ अ बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, और आपके पास जो IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल वो बेसिकली एक पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल होता है, यानी कि हम IP के अंदर हर एक पैकेट को काउंट करते हैं, लेकिन TCP के अंदर हमारे हर एक बाइट को काउंट करते हैं। उसी तरीके से आपके पास डेटा लिंक लेयर में HDLC एक प्रोटोकॉल है जो कि एक बिट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम हर एक बिट को काउंट करते हैं। तो TCP आपका एक बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, IP आपका एक पैकेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल है, यानी कि इसके अंदर हर एक पैकेट को हम काउंट करते हैं। उसके बाद आता है आपके पास UDP हेडर। अब UDP के अंदर हम 16 बिट का पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं जो कि सोर्स पोर्ट नंबर है, फिर 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यूज़ करते हैं, उसके बाद हम 16 बिट का UDP लेंथ को यूज़ करते हैं, और फिर 16 बिट के चेकसम को यूज़ करते हैं। अब ध्यान दीजिए UDP के अंदर कोई भी ऑप्शन फील्ड नहीं है, यहाँ पर बस आपके हेडर के अंदर 4 फील्ड्स हैं, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, UDP लेंथ और UDP चेकसम। सो UDP की जो टोटल लेंथ है हेडर की वो होती है आपके पास 8 बाइट्स, सो यहाँ पर हम 8 बाइट का हेडर यूज़ करते हैं, और जितनी भी फील्ड आपको पता होनी चाहिए। और इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा और एडिशन में आपको बता देता हूँ कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है इस बार आप IP का हेडर एग्जामिनेशन में आ जाए। तो IP के अंदर जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP हेडर के अंदर फील्ड्स हैं। पहली फील्ड है आपकी 4 बिट वर्जन फील्ड। IP के वीडियोस मैं YouTube पर डाल चुका हूँ, आप YouTube से हमारे IP जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल के वीडियोस को पढ़ सकते हैं, उसके अंदर मैंने कंप्लीट IP प्रोटोकॉल को स्पेसिफाई किया, समझाया है अच्छे से। अब IP के अंदर पहली 4 बिट वर्जन फील्ड होती है, दूसरी 4 बिट हेडर लेंथ फील्ड है, फिर आपके पास 8 बिट टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। अब जो 8 बिट है जो टाइप ऑफ सर्विस फील्ड है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है बिकॉज इसका जो यूजेज है वो काफ़ी बार चेंज हुए हैं। फिर आपके पास आता है 16 बिट टोटल लेंथ फील्ड जो कि टोटल आपके लेंथ बताएगा, टोटल डेटाग्राम यानी टोटल आपका जो पैकेट है डेटाग्राम है उसका लेंथ क्या है। फिर आपका 16 बिट आइडेंटिफिकेशन फील्ड है, फिर एक बिट जो कि रिजर्व्ड है जिसको हम यूज़ नहीं करते, सेट इज 0। फिर आपके पास डू नॉट फ्रेगमेंट फील्ड, मोर फ्रेगमेंट फील्ड, और फिर आपके पास आते हैं 13 बिट फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड, यानी कि जो आपकी फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड है वो आपके 13 बिट की है। उसके बाद आपके पास 8 बिट टाइम टू लिव फील्ड है, दैट इज TTL फील्ड। फिर आपके पास 8 बिट प्रोटोकॉल फील्ड है, फिर 16 बिट हेडर चेकसम है, उसके बाद 32 बिट सोर्स IP, 32 बिट डेस्टिनेशन IP। तो ये जो मैंडेटरी फील्ड है टोटल 20 बाइट्स की है, और IP हेडर के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो भी 40 बाइट्स के हैं। तो IP हेडर की जो मिनिमम लेंथ है वो 20 बाइट्स से लेकर जो मैक्सिमम लेंथ है वो 40 बाइट्स तक रहेगी।
तो आपको आईपी हेडर का जो स्ट्रक्चर है वो भी याद होना चाहिए। इसकी काफ़ी चांसेस है कि आपके एग्जामिनेशन में वो आईपी हेडर के बारे में आपसे पूछ ले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट है, पहला पार्ट आपका कंप्यूटर नेटवर्क से है जहाँ पर आपको सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा है आपका एल्गोरिथम्स में से, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की हाइट अगर h है तो उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम नोड्स कौन सी होंगी। दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, दे आर सेइंग डिस्क्राइब वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क्स ओवर पैकेट स्विच नेटवर्क्स। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। देखिए, एज्यूम ये आपका एक नेटवर्क है और यहाँ पर दीज आर रिप्रेजेंटिंग मे बी होस्ट और मे बी राउटर। ठीक है, एज्यूम ये सभी आप राउटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर ऑल इंटरमीडिएटरी राउटर्स एंड दिस इज योर डेस्टिनेशन। सो होस्ट इज कनेक्टेड इन एनी वे विद दीज राउटर्स। सो इस तरीके से जो होस्ट है वो इन राउटर से कनेक्टेड है किसी तरीके से। दीज आर ऑल द कनेक्शंस बिटवीन द होस्ट, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। दीज आर रिसीवर्स डेस्टिनेशन। अब इस केस में हमारे पास जो स्विचिंग है वो दो तरह की होती है। पहली होगी आपके पास सर्किट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, और दूसरी होती है आपके पास पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग, तो पहले पैकेट स्विचिंग को समझते। पैकेट स्विचिंग होता क्या है? बेसिकली जब भी सेंडर रिसीवर को डेटा सेंड करेगा उस केस में जो डेटा है वो पैकेट्स के अंदर डिवाइडेड होगा। अब पैकेट स्विचिंग के अंदर जो पैकेट्स है, कोई भी पैकेट किसी भी रूट को फॉलो कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पहला पैकेट इस रूट से जा रहा है, ऐसा हो सकता है जो दूसरा पैकेट है वो इस रूट से जा रहा है, यानी कि कोई भी जो पैकेट है वो किसी भी रूट को फॉलो कर सकता है विद इन द नेटवर्क। तो जो पैकेट्स हैं वो किसी भी रूट को फॉलो कर सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और जब मैं सर्किट स्विचिंग की बात करूंगा तो सर्किट स्विचिंग के केस में हम एक कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या है कि हम सेंडर से रिसीवर के बीच में एक पाथ को रिजर्व करेंगे और सभी जो पैकेट्स हैं वो उसी पाथ के थ्रू रिसीवर के पास जाएंगे, यानी कि डेस्टिनेशन के पास जाएंगे। अब देखो, जो सर्किट स्विचिंग है और जो पैकेट स्विचिंग है, यहाँ पर पैकेट स्विचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पैकेट स्विचिंग में हम पूरे नेटवर्क को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही पाथ के अंदर डेटा सेंड करेंगे और सिर्फ एक ही पाथ यूटिलाइजेशन में, बट रेदर पैकेट स्विचिंग में कोई भी डेटा पैकेट किसी भी पाथ के थ्रू रिसीवर पर जा सकता है। लेकिन पैकेट स्विचिंग का डिसएडवांटेज ये है कि जब भी रिसीवर के पास कोई डेटा पैकेट रिसीव होगा तो ऐसा हो सकता है पैकेट स्विचिंग के केस में कि हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट रिसीवर के पास आ रहे हैं। आउट ऑफ ऑर्डर यानी कि उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है, वो किसी भी सीक्वेंस में आ सकते हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि जब भी कोई डेटा पैकेट पाथ को फॉलो कर रहा है तो किसी भी पाथ का जो MTU है, यानी कि मैक्सिमल ट्रांसमिटेबल यूनिट, तो वो कम है। अगर किसी पाथ का MTU कम है तो ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे पैकेट्स हो सकते हैं रास्ते में जिनको हमें फर्दर फ्रेमिंग करनी पड़े, यानी जिनको हमें फर्दर ब्रेक करना पड़े, और बाद में इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेस्टिनेशन टू कंबाइन ऑल दोज पैकेट्स। उन सभी पैकेट्स के अंदर हमें रीअसेंबली एल्गोरिथम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पैकेट स्विचिंग का एडवांटेज क्या है? इट इज डूइंग अ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। एनी पैकेट कैन फॉलो एनी पाथ। बट डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी पैकेट यहाँ पर आएंगे वो आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे और यहाँ पर हमें रीअसेंबली एल्गोरिथम्स का यूज करना पड़ेगा। और जो पैकेट स्विचिंग है इट इज लेस रिलायबल एज कम्पेयर टू सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग जो है वो सर्किट स्विचिंग से लेस रिलायबल है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में बिकॉज हमने एक पाथ को फॉलो करना है तो हम उस पूरे पाथ के अंदर रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि बैंडविड्थ, बफर, जो भी आपके पास होस्ट है या फिर जो भी आपके पास रास्ते में राउटर्स हैं, हर एक राउटर के अंदर हम कुछ बफर को रिजर्व करेंगे, हम किसी बैंडविड्थ को रिजर्व करेंगे, तो जो सभी डेटा पैकेट है वो उसी पाथ के थ्रू जाएंगे। तो सर्किट स्विचिंग के केस में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो भी डेटा पैकेट्स हैं वो आपके पास इन ऑर्डर जाएंगे, यानी कि डेटा पैकेट्स एक ही पाथ को फॉलो करेंगे, इन ऑर्डर जाएंगे, तो रीअसेंबली करना बहुत आसान है। दूसरा, जो सर्किट स्विचिंग है इट इज़ मोर रिलायबल देन पैकेट स्विचिंग। क्यों? क्योंकि आप पूरे पाथ के अंदर कुछ डेटा, कुछ बैंडविड्थ, यानी कि कुछ बैंडविड्थ वगैरह को रिजर्व कर रहे हैं, आप पूरे पाथ के अंदर रिजर्वेशंस कर रहे हैं, जो कि गारंटी करेगा, विच इज़ अ मोर क्रिएटिंग अ मोर सिक्योर पार्ट
पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में आप एक ज़्यादा सिक्योर पाथ को क्रिएट कर रहे हैं, सिक्योर पाथ. ठीक है, तो जो सर्किट स्विचिंग का डिसएडवांटेज क्या हुआ, सर्किट स्विचिंग का डिसएडवांटेज क्या, पूरे पाथ के अंदर बैंडविड्थ को आप रिजर्व कर देंगे, उस बैंडविड्थ को आप किसी और एप्लीकेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. लेकिन इसका एडवांटेज क्या हुआ, बिकॉज आपने बैंडविड्थ को रिजर्व किया है, इसी वजह से आप अपने डेटा पैकेट्स को एक सिक्योर पाथ दे रहे हैं और वो जो पैकेट्स हैं वो उसी पाथ के थ्रू जाएंगे और डेस्टिनेशन पर वो सभी पाथ इन ऑर्डर रिसीव होंगे. जो भी डेटा पैकेट जाएगा वो इन ऑर्डर रिसीव होगा डेस्टिनेशन के पास और डेस्टिनेशन को ज़्यादा रीअसेंबली एल्गोरिथम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक पैकेट जो पाथ है वो सेम, हर एक पैकेट जो है वो सेम पाथ को ही फॉलो करेगा. तो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग ओवर पैकेट स्विचिंग. ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट लेते हैं हम लोग. सो थर्ड का जो बी पार्ट है, सो बी पार्ट इज व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच. अब ये जो बी पार्ट है, अगेन इट इज़ अ वेरी इजी पार्ट, काफ़ी इजी है. अगर आपने मेरी एल्गोरिथम्स के वीडियोस को पढ़ा है तो एल्गोरिथम्स से मैंने इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है. देखिए, जब आपके पास जो बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री आपके पास काफ़ी अलग अलग तरीके से है. आपके पास एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ACBT. दूसरा, आपके पास एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो सकता है, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री जिसको हम फुल बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री इसको हम बोलते हैं SBT या फिर FBT. और तीसरा आपके पास होता है यहाँ पर कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसको हम बोलते हैं CBT. अब ये जो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज फुल बाइनरी ट्री की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी अलग अलग जगह पर अलग अलग डेफिनेशंस दी होंगी. तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम जब भी स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो हम किस तरह के बाइनरी ट्री की बात यहाँ पर कर रहे हैं. परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात की गई है, सो दे हैव नॉट गिवन अ डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री, बिकॉज जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है. बिकॉज आप कुछ बुक्स में, आप इंटरनेट पर अगर आप सर्च भी करेंगे तो काफ़ी जगह पर जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है उसी को परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोला गया है, और कुछ जगह पर जो आपके पास फुल बाइनरी ट्री है उसी को परफेक्ट बाइनरी ट्री भी बोला गया है. तो आपके पास फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री दोनों केसेस में इसकी जो डेफिनेशंस है काफ़ी बुक्स में और इंटरनेट पर भी आपको अलग अलग मिलेगी. अभी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बिकॉज ये जो डेफिनेशन है परफेक्ट बाइनरी ट्री की वो काफ़ी अलग होती है, सो माय सजेशन इज कि जो एग्जामिनेशन कमिटी है दे शुड हैव गिवन कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है. अगर उन्होंने परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन दी होती तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता. तो अभी हमें परफेक्ट बाइनरी ट्री को करना है. तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ दिस कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, अगर आप कंप्लीट बाइनरी को परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करते हैं तो कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि हर एक जो इंटरनल नोड है दे शुड हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन और सभी लीफ नोड जो है वो सभी एक ही लेवल पर होना चाहिए. सो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज एवरी इंटरनल नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन प्लस एट द सेम टाइम ऑल द लीफ नोड्स should be at same level. यानी कि जो भी इंटरनल नोड्स हैं उन सभी के 2 चिल्ड्रन एग्जैक्टली होने चाहिए और जितने भी आपके लीफ नोड्स हैं वो सभी सेम लेवल पर होना चाहिए. अगर ऐसा है तो उस बाइनरी ट्री को हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब कंप्लीट बाइनरी ट्री की इफ द हाइट ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज h, यानी कि अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट h है तो यहाँ पर जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो दोनों सेम रहेगी. इन केस ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ हाइट इज h, उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो भी 2^(h+1-1) रहेगी और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स है वो भी 2^(h+1-1) रहेगी. यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री केस में आपके पास सभी नोड्स होती हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स सेम रहेगी. लेकिन यही जो डेटा है ये आपके पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के केस में चेंज रहेगा. बिकॉज स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि इफ अ नोड इज हैविंग अ चिल्ड्रन देन इट शुड हैव एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन. कहने का मतलब क्या है, एवरी इंटरनल नोड
should have exactly two children, यानी कि जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं सबके एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होना चाहिए, लेकिन ये जो दूसरी कंडीशन है कि सभी लीफ नोड का लेवल सेम होना चाहिए, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। तो कहने का मतलब है, अगर लेट अस से सपोज मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं और उसकी हाइट है 1, तो अगर हाइट 1 का स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो उसके अंदर एग्जैक्टली 3 नोड्स होंगी। अगर हाइट 2 का स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो उसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम एग्जैक्टली 5 नोड्स होंगी, सो इट इज 3 and 5। अगर हाइट 3 का एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है तो उसके अंदर एग्जैक्टली 7 नोड्स होंगी एंड सो ऑन। तो जो पैटर्न है वो इस तरह से चलता जाएगा। तो पैटर्न आपके पास क्या बनेगा, दैट इज 2 into h plus 1। तो यहाँ पर देखो हाइट 2 है, सो 2 into 2 is 4, 4 plus 1 is 5। हाइट 3 है तो 2 into 3 is 6, 6 plus 1 is 7। तो मिनिमम आएगा 2 into h plus 1। लेकिन अगर यहाँ पर मैक्सिमम बात करता हूँ, वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स, तो मैक्सिमम यहाँ पर सेम रहेगा, मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर 2 raised to power h plus 1 minus 1, 2 raised to power h plus 1 minus 1। तो ये आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स हो सकती है इन ए परफेक्ट बाइनरी ट्री। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन पूछी है, पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी कंट्रोवर्सियल है, बिकॉज काफ़ी अलग अलग जगह पर अलग बुक्स में दे आर यूजिंग अ डिफरेंट डेफिनेशन। इवन इफ अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी रेफर करेंगे तो स्टैंडर्ड बुक्स में भी एक परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशंस अलग अलग गिवन है। तो यहाँ पर आई पर्सनली फील कि जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है वो उन्होंने स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को ही हम लोग परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलते हैं। सो इसका जो आंसर है वो ये होना चाहिए, सो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो अभी हमने सेक्शन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन नंबर 2 यानी कि सेक्शन नंबर बी को सॉल्व करेंगे।